नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हर रोज़ की तरह की सब्जियों के आज क्या भाव रहे हैं, किसानों से किस खरीद में आज सब्जियों की खरीद की गई, किस रेट पर, तो उन सब की जानकारी लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन सब्जी मंडी में लगातार लहसुन की आपूर्ति जारी है। सोलन और सिरमौर जिला से बड़ी मात्रा में यहाँ पर लहसुन पहुँच रहा है और जो लहसुन के दाम है उसमें कल की तुलना में आज थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। कल 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जहां लहसुन बिका, आज 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह लहसुन जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका है। क्योंकि जिला सिरमौर और सोलन से इस वक्त लहसुन की बम्पर फसल हुई है और सब्जी मंडी में बड़ी मात्रा में लहसुन की आपूर्ति हो रही है। मटर के रेटों में पिछले काफ़ी दिनों से 35 से 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही बने हुए हैं और यही स्थिति अभी भी मटर की बनी हुई है। हालांकि मटर के दाम एक समय 75 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में ओलावृष्टि हुई और मटर की फसल को नुकसान हुआ, उसके बाद से रेटों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पिछले कई दिनों से 40 रुपये के आसपास ही मटर के भाव बने हुए हैं और लहसुन के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी 90 रुपये, कभी 85 रुपये, फिर 100 रुपये, इस तरह के रेट चले हुए हैं। क्वालिटी के अनुसार ही मंडी में इस वक्त लहसुन के रेट मिल रहे हैं। छोटे मीडियम आकार का जो लहसुन है आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, 50 से 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। और गोली आकार का जो लहसुन यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तीन ग्रेडिंग लहसुन की चली हुई है और उसके हिसाब से ही भाव मिल रहे हैं। इन पर सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ काका भाव, आप काका भाई आपके साथ जुड़ रहे हैं। काका भाई नमस्कार। नमस्कार जी, आज बीन है 38 रुपये किलो भी किया जी, लहसुन 90 रुपये, 55 रुपये, गोली 35 रुपये भी किया जी, और कद्दू पीला जो है 13 रुपये, और ये सिल्ला खीरा जो है आ रहा है ये 18-19 रुपये किलो बिका है। दूसरा खीरा जो कंबलपुर से आता है वो 14 से 15 रुपये बिका है। बंद गोभी कंबलपुर की 180 रुपये बिकी है जी। प्याज जो है नासिक का आज डाउन हुआ है और 12.5 से 13 रुपये हो गया। और खरबूजा जो है 14 रुपये किलो, खरबूज 8.5-9 रुपये किलो, भिंडी 12 से 15 रुपये किलो भिंडी रहेगी। करेला जो है 14 से 20 रुपये, कद्दू का लिफाफा जो 15 किलो का है वो 100 रुपये का लिफाफा बिक रहा है, और आपका बैंगन जो है 15 रुपये किलो बिक रहा है, और सेब जो है 1200 का डब्बा बिक रहा है 10 किलो का, लीची का मुहूर्त हुआ था आज 100 रुपये किलो लीची बिकी है, और शहरी आम जो है नखलऊ का आया था वो आज 65 रुपये किलो बिक रहा है, और ऑर्डनरी आम 60 रुपये किलो, 55 से 60 रुपये किलो बिक रहा है। अब जो हल्का आम है वो लास्ट रह गया, 50 रुपये बिक रहा है। पपीता जो है 30 रुपये किलो बिका है, और चेरी आई थी जो छोटी छोटी आई थी, बिल्कुल छोटी 100 ग्राम चेरी 30 रुपये की बिकी है। गोभी, फूलगोभी आज 20 से 25 रुपये किलो बिकी है। और मटर, मटर आज बिका जी 30 से 35 के बीच। और टमाटर का क्या रहा? टमाटर जो हल्के टमाटर है 100 रुपये बिके हैं, बढ़िया टमाटर 200-250। कहाँ से आ रहा टमाटर? टमाटर हरियाणा से आ रहे हैं। ठीक है, ये काका भाई थे। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि खरबूजे की यहाँ पर खरीद हो रही है, 5-5 कट्टे ले जा रहे हैं 7 रुपये। सोलन सब्जी मंडी में आज जो सब्जियों के भाव है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लहसुन के रेट हैं, लहसुन के दामों में आज थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लहसुन का रेट बढ़ा हुआ है। कल 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका था, आज 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में बिक रहे हैं। लेकिन फ्रांसबीन के दामों में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। फ्रांसबीन के जो कल सोलन मंडी में फ्रांसबीन 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकी थी, तो आज 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सोलन मंडी में अभी भी मटर की
आपूर्ति लगातार जारी है। करसोग से यहाँ पर मटर पहुँच रहा है, कुछ जिला कुल्लू से, शिमला से और जिला सिरमौर से यहाँ पर बड़ी मात्रा में मटर की आपूर्ति चली हुई है। और मटर के जो दाम हैं वो पिछले काफ़ी दिनों से 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बने हुए हैं और इसी तरह का भाव जो इस वक्त सोलन मंडी में देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि लहसुन जो मटर है, मटर की इस वक्त बड़ी मात्रा में आपूर्ति जारी है और फ्रासबीन के दामों में थोड़ी आज गिरावट देखने को मिली है। कल जिस तरह से फ्रासबीन 44 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, आज 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में फ्रासबीन बिक रही है। तो कुल मिलाकर सब्जियों के जो भाव हैं, फूलगोभी के रेट मंडी में चढ़े हुए हैं और पिछले काफ़ी दिनों से जो फूलगोभी है 10 रुपये से ऊपर ही बिक रही है, लेकिन अब आज फ्रासबीन में फूलगोभी में थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फूलगोभी यहाँ पर बिकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि वो महिलाएँ यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए भी पहुँची हुई है, क्योंकि सोलन मंडी में महिलाएं भी बड़ी संख्या में सब्जी खरीदने के लिए पहुँचती हैं, क्योंकि एक ही मोहल्ले की महिलाएं होती है, इकट्ठे होकर यहाँ पर सस्ते भाव में सब्जियाँ खरीदती है, बाद में उनका आपस में वितरण करते हैं और इस तरह से उन्हें रेट भी सस्ता मिल जाता है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह के सब्जियों के भाव है वो उसे देखते हुए महिलाएं सीधे एक ही मोहल्ले की महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर सोलन मंडी में पहुँचती हैं और थोक में के भाव से सब्जियों को खरीद कर आपस में बाद में बांटती है। तो इस तरह का तो आप देख रहे हैं, मंडी में इस वक्त ट्रक भी पहुंचे हुए हैं प्याज के, नासिक का प्याज तो यहाँ पर आ रहा है नासिक से, और लेकिन नासिक के प्याज में अब थोड़े भाव गिरने शुरू हो गए हैं और 12.5 से 13 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आज यहाँ पर प्याज के रेट रहे हैं। सोलन मंडी में इस वक्त फ्रासबीन और लहसुन की सबसे अधिक आपूर्ति चली हुई है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर फ्रासबीन पहुँची हुई है। फ्रासबीन के जो रेट हैं इसमें 150 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे फ्रासबीन के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है और 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फ्रासबीन यहाँ पर बिकी है। विनोद जी, लहसुन 35 रुपये से लेकर 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। जो अच्छी क्वालिटी का लहसुन है 90 रुपये और मीडियम स्तर का लहसुन है, मीडियम जिसका आकार है वो 55 रुपये और छोटे आकार का जो गोली है वो 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में आज बिकी हैं। लहसुन के रेटों में पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, कल लहसुन के 85 रुपये अधिकतम रेट थे, आज 90 रुपये है, तो 5 रुपये की आज वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर इस तरह की मंडी चली हुई है और तमिलनाडु से यहाँ से सीधे तमिलनाडु को लहसुन की आपूर्ति हो रही है। फूलगोभी के रेट 20 से 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में बने हुए हैं और कल फूलगोभी के रेटों में गिरावट थी, लेकिन आज फूलगोभी के रेटों में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि मंडी में फूलगोभी की जो आपूर्ति है वो काफ़ी कम हो गई, क्योंकि सीजन भी अब समाप्ति की ओर है कई क्षेत्रों में। तो यही वजह है कि फूलगोभी के इस वक्त रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ दिन पूर्व फूलगोभी 15 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहां पर बिक रही थी, लेकिन अब थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। लहसुन की बात करें तो लहसुन के जो अधिकतम दाम है 85 रुपये 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, फ्रासबीन 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जबकि कल फ्रासबीन के जो रेट थे वो 44 रुपये प्रति किलो थे, लेकिन आज उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। वजह साफ है, क्योंकि बारिशें प्रदेश में जगह जगह पर हो रही है, आपूर्ति आज काफ़ी अधिक थी फ्रासबीन की, और यही वजह है कि फ्रासबीन के रेटों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। यदि हम बात करें मटर की, तो मटर के दाम पिछले काफ़ी दिनों से 35 और 40 रुपये प्रति किलो के बीच में ही बने हुए हैं और अभी भी यही स्थिति है, 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर यहाँ पर बिका है। तो मटर के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये किसानों के लिए चिंतित होने वाली बात भी है। और सोलन मंडी में पलम का क्या रेट रहा है अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि पलम के आज क्या भाव रहे हैं। गुमानी यहाँ पर 20 से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है और पलम यहाँ पर
बर्फी बोरियां की बोरियां सोलन मंडी सब्जी मंडी में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस वक्त मंडी में काफ़ी रौनकें हैं, खरीदार बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, विशेषकर महिलाएं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर सब्जी की खरीद के लिए आई हुई हैं सोलन मंडी में, और दूसरे खरीदार भी आप पिंकू जी पे जो पलम बिका है वो 60 से 65 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन मंडी में आज बिका है पलम, पलम के जो रेट रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो भिंडी है पहले 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी, लेकिन अब इसके भाव गिर गए हैं और 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। सो सब्जी मंडी से आज बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद।